नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, सभी किसान भाइयों का एक समस्या रहता है कि हम अपने धान की शुरुआती अवस्था में लगने वाले इंसेक्ट पेस्ट का नियंत्रण कैसे करें। तो धान की शुरुआती अवस्था में इंसेक्ट पेस्ट लगने के लिए, उसको नियंत्रण के लिए हम आज बात करने वाले फर्टेरा इंसेक्टिसाइड का यूज़ कैसे करेंगे और कैसे इस मतलब इफेक्ट पहुँचाते हैं हमारे प्लांट में, तो जानते हैं पूरी डिटेल से इसको। दोस्तों, बात करें फर्टेरा में केमिकल कंपोजिशन में, तो इसमें कोलोट्रा नीलपोल 0.4% GR के रूप में रहते हैं इसमें केमिकल। इसको मिक्सिंग करने के लिए आप लोग रेत ले लीजिए और रेत में अच्छे से फर्टेरा को मिक्सअप करके उसे अच्छे से मिला ले। बात करें फर्टेरा के उपयोग मात्रा की, तो लगभग 4 से 5 किलो प्रति एकड़ दर से डालना पड़ता है। मिलाने के बाद इसे समान मात्रा में पूरे फील्ड में छिड़काव कर देते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात रहती है कि इसमें मतलब पूरे फील्ड में पानी भरा रहना चाहिए, एक खेत से दूसरे खेत में पानी नहीं बहना चाहिए। यदि बहेगा तो एक खेत के केमिकल दूसरे खेत में भी चले जाएंगे, फिर अपने प्लांट में अच्छे से असर नहीं दिखा पाएंगे। फर्टेरा का यूज़ आप लोग खेत में जब धान लगा दें तो उसके लगाने के 15 से 20 दिन बाद इसका यूज़ करें। फर्टेरा खेत में डालने से हमारे लंबे समय तक ये अपना रिएक्शन खेत में दिखाते हैं और इसमें नियंत्रण की बात करें तो राइस में लगने वाले तना छेदक जितने भी कैटरपिलर है उसका नियंत्रण बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप लोग भी अपने खेत में इसका यूज़ ज़रूर करें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।